हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। अगर आप एक बैंक ऑफ बड़ौदा अकाउंट होल्डर हैं और अभी तक आपने बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग एक्टिवेट नहीं किए हैं, तो इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के बैंक ऑफ बड़ौदा की मोबाइल बैंकिंग ऐप पीओबी वर्ल्ड में रजिस्ट्रेशन करना सीखेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग ऐप पीओबी वर्ल्ड को यूज़ कैसे करना है जानेंगे, तो बने रहिए आप इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बैंक ऑफ बड़ौदा का मोबाइल बैंकिंग ऐप पीओबी वर्ल्ड में रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपके पीओबी अकाउंट में कोई भी एक एक्टिव मोबाइल रजिस्टर्ड होना चाहिए, एंड सेकंड आपके पास पीओबी द्वारा इशू किया गया डेबिट कार्ड होना चाहिए, तभी आप पीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन में लॉगिन यानी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सभी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने के बाद नेक्स्ट आपको अपने डिवाइस में पीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है अपने डिवाइस के ऐप स्टोर से। तो चलिए मैं यहाँ आपको क्या करना है, आपको अपने डिवाइस में प्ले स्टोर को ओपन करना है, आपके डिवाइस का जो भी ऐप स्टोर है उसे ओपन करना है। उसके बाद से आपको यहाँ पीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन पीओबी वर्ल्ड टाइप करके सर्च करना है। ओके, सर्च करने के बाद जो टॉप वाला ऐप आएगा पीओबी वर्ल्ड बैंक ऑफ बड़ौदा, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो चलिए मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ और इंस्टॉल होने तक वेट कर लेते हैं कुछ सेकंड्स। ओके, तो फ्रेंड्स, पीओबी वर्ल्ड एप्लीकेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। अब मैं इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। ओके, ओपन करने के बाद आपको वेट करना है कुछ सेकंड्स। तो फ्रेंड्स, से ओपन हो रहा है तो ओपन होने तक वेट कर लेते हैं। उसके बाद से यहाँ जो भी परमिशन आपसे मांगा जा रहा है इसे आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद से आपको वेट करना है। उसके बाद से यहाँ आपको लॉन्ग वे सिलेक्ट करना है। लॉन्ग वे सिलेक्ट करने के बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से इसे स्किप कर देना है। स्किप करने के बाद नेक्स्ट आपको यहाँ कुछ इस तरह का पेज होगा। तो अगर आप एक ऑलरेडी कस्टमर है तो आपको यहाँ लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पीओबी में अकाउंट नहीं है तो आप इस एप्लीकेशन को यूज़ नहीं कर सकते, बट अगर आप पीओबी अकाउंट होल्डर है तो आप यूज़ कर सकते हैं इस एप्लीकेशन को। तो इसके लिए आपको यहाँ ऑलरेडी कस्टमर के नीचे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद से यहाँ आपको अलाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको यहाँ व्हाइल यूजिंग द ऐप के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से अलाउ करना है। उसके बाद से आपके पीओबी अकाउंट में जो भी सिम नंबर रजिस्टर्ड है उस सिम को यहाँ सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं उस सिम को यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद से आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको वेट करना है कुछ सेकंड्स। ये आपके मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर रहा है। मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ शो होगा, तो अगर आपका वही मोबाइल नंबर है जो आपके पीओबी अकाउंट में रजिस्टर्ड है तो आपको नेक्स्ट करना है। अगर नहीं है तो आपको नो सेलेक्ट अनदर नंबर पर क्लिक करके आपको उस नंबर को सेलेक्ट करना है जो आपके पीओबी अकाउंट में रजिस्टर्ड है। ओके, तो मेरा वही नंबर है जो सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद से आपको नेक्स्ट कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके रजिस्टर्ड फोन नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, तो उसे यहाँ ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिकली एंटर नहीं होता है तो आपको मैन्युअली एंटर करना है, या आपको ओटीपी रिसीव नहीं होता है तो आप यहाँ रिसेंट, ये टाइमर खत्म होता है तो आप रिसेंट ओटीपी पर क्लिक करके आप फिर से ओटीपी रिसीव कर सकते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको यहाँ वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का पेज होगा। तो यहाँ आपको टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करना है। उसके बाद आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट यहाँ आपको अपने 14 डिजिट अकाउंट नंबर को एंटर करना है। ये आपके पासबुक मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ लास्ट 6 डिजिट ऑफ योर डेबिट कार्ड, अपने एटीएम कार्ड के लास्ट 6 डिजिट को यहाँ एंटर करना है। उसके बाद से यहाँ आपको एक्सपायरी डेट एंटर करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ जो भी डिटेल्स मांगा जा रहा है उसे एंटर करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ओके, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और उसके बाद से नेक्स्ट आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एक्टिवेशन की सेंड किया गया होगा। उस एक्टिवेशन की को आपको एंटर करके आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड्स, मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक्टिवेशन की आ चुका है। तो चलिए मैं यहाँ एक्टिवेशन की, ये रहा 1532, तो मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। एक्टिवेशन की एंटर करने के बाद नेक्स्ट आपको प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपको कुछ इस तरह का पेज होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको ट्रांजैक्शन पिन क्रिएट करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ आपको 4 डिजिट्स में कोई ट्रांजैक्शन पिन आपको 4 डिजिट का क्रिएट कर लेना है। तो चलिए मैं यहाँ 4 डिजिट का ट्रांजैक्शन पिन क्रिएट कर लेता हूँ एक। ओके, उसके बाद से आप जो ट्रांजैक्शन पिन एंटर किए उसे आपको री एंटर यानी कन्फर्म करना है। तो चलिए मैं कन्फर्म कर लेता हूँ। उसके बाद से नेक्स्ट आपको नेक्स्ट यहाँ जो भी ट्रांजैक्शन पिन क्रिएट किया एंटर किया उसे आपको कहीं नोट कर लेना है। उसके बाद से आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से नेक्स्ट आपको 4 डिजिट लॉगिन पिन क्रिएट करना है ट्रांजैक्शन पिन से डिफरेंट। तो चलिए मैं यहाँ 4 डिजिट लॉगिन पिन को यहाँ एंटर करना है। उसके बाद से जो यहाँ लॉगिन पिन एंटर किया उसे आपको कंफर्म करना है, रीटाइप करना है। उसके बाद से आपको क्या करना है, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं सब डिटेल्स एंटर करके यहाँ सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। ओके, यहाँ लॉगिन पिन एंटर एंड री एंटर करने के बाद यहाँ सबमिट वाला ऑप्शन क्लिकेबल हो जाए, तो आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वेट करना है कुछ सेकंड्स। वेट करने के बाद आपको यहाँ कंग्रेचुलेशंस और आपका जो भी नेम होगा वो दिखाई देगा, और इसी के साथ आपका मोबाइल बैंकिंग 100% एक्टिवेट हो जाएगा। अब आपको यहाँ प्रोसीड टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको वेट करना है कुछ सेकंड्स। उसके बाद यहाँ आपको अपने लॉगिन पिन को एंटर करना है।
लॉग इन फिन एंटर करने के बाद आपका मोबाइल बैंकिंग सक्सेसफुली लॉग इन हो जाएगा और आप यहां से अपने बैलेंस को देख सकते हैं इस पर क्लिक करके, और व्यू ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने अकाउंट के स्टेटमेंट और भी देख सकते हैं। यहां पासबुक पर क्लिक करके आप अपने यहां सेविंग जो भी है, और व्यू ट्रांजेक्शन पर क्लिक करके जो भी आप ट्रांजेक्शन किए हैं यानी स्टेटमेंट यहाँ से देख सकते हैं। जैसे ये लोड हो रहा है तो वेट कर लेते हैं कुछ सेकंड्स। आप यहाँ जो भी ट्रांजेक्शन किए होंगे वो सभी यहाँ ट्रांजेक्शन दिख जाएगा। तो यहाँ इस तरह से आप स्टेटमेंट देख सकते हैं, उसके बाद सबको बैक करना है। यहाँ आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप स्टेटमेंट को डाउनलोड यहाँ इस पर क्लिक करके डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद सबको बैक करना है, बैक करने के बाद आपको फिर से बैक करना है। बैक करने के बाद यहाँ से आप क्रेडिट स्कोर चेक कर सकते हैं, यहाँ से मनी यानी पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और यहाँ से UPI पेमेंट भी कर सकते हैं, और यहाँ से कार्ड्स को अप्लाई कर सकते हैं, और आपका जो भी कार्ड्स होगा व्यू कार्ड्स पर क्लिक करके कार्ड्स को देख सकते हैं, उसके लिमिट्स और इंटरनेशनल डोमेस्टिक ये सब को मैनेज कर सकते हैं यहाँ से। फिर होम के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से सर्विसेज रिक्वेस्ट सर्विस क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, यहाँ चेकबुक अप्लाई कर सकते हैं, रोक सकते हैं, और यहाँ से अकाउंट स्टेटमेंट देख सकते हैं, TDS ये सब यहाँ से आप कर सकते हैं। ओके, और पैसे ट्रांसफ़र करना हो तो आपको यहाँ से ट्रांसफ़र क्लिक करके आप अपने खुद के या किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या मोबाइल नंबर के थ्रू भी यहाँ से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और इस पर क्लिक करके यहाँ से आप अपने लॉगिन पिन और ट्रांजेक्शन पिन को चेंज करना चाहिए, आप भूल जाते हैं तो चेंज कर सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप कुछ मिनटों में ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के BOB मोबाइल बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं, और यूज कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप फ्रेंड्स ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो को लाइक कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।